कुंडलिनी शक्ति खतरनाक है, तो इस बात को ठीक ठीक रूप से समझ लें। जब शक्ति अंत में उठती है तो बहुत जबरदस्त रूपांतरण होते हैं, क्योंकि दो शक्तियां ईड़ा और पिंगला जब मध्यस्थ होके उठेंगी तो बड़े जबरदस्त रूपांतरण लेके आएंगी, बड़ी जबरदस्त शक्ति के कंपन उठेंगे। लेकिन अगर अगर शुरुआत ठीक है, अगर समझ ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मूलाधार की पूरी व्याख्या पूरी समझ के बाद जानने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ मित्रों के कुछ प्रश्न हैं, उनमें से एक बड़ा जरूरी प्रश्न है कि क्या कुंडलिनी शक्ति बड़ी खतरनाक है? क्या कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर बहुत बहुत भयंकर परिणाम आ सकते हैं, और क्या इसकी सावधानियां रखनी चाहिए? इन सब कुछ विषयों को थोड़ा ठीक ठीक रूप में आज समझ ही लेते हैं एक बार के लिए। और कष्ट की बात यह है कि अमूमन, क्योंकि आज के समय में सूचनाओं की जैसे बाढ़ आ गई है, और कोई भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आर्थिक कारणों के चलते कहीं से भी कुछ छोटा मोटा इकट्ठा करके और उसके ऊपर कोई वीडियो बना दे, कहीं से कुछ छोटा मोटा आर्टिकल पढ़ लिया वीडियो बना दी, कहीं से किसी किताब की कोई कटिंग का कुछ हिस्सा ले लिया उससे कुछ वीडियो बना दी, उसको हूबहू रिपीट कर दिया, ना स्वयं पर कोई आध्यात्मिक प्रयोग किए, ना उसके ऊपर गहरा मंथन मनन चिंतन है, और केवल व्यूज के लिए या केवल आर्थिक कारणों से, या फिर कोई व्यक्ति अगर कोई साइकोलॉजी की या किसी मोटिवेशन की या फिर किसी पराविद्या जैसे ज्योतिष वगैरह की बात करता हो तो इन विषयों को भी घुमा के खींच लेता है कि लो हम कुंडली को भी कवर कर जाते हैं। मोटिवेशनल एक्सपर्ट कहता है लो कुंडली की बात भी मैं बता देता हूँ, कुंडलिनी शक्ति की बात भी, कोई ज्योतिष की बात करते करते चलो हम कुंडलिनी शक्ति को भी छूते हुए निकल जाते हैं, कोई आयुर्वेद की बात करते हुए चलो इस संदर्भ में भी कुछ, ऐसे नहीं होता। हर एक विषय की अपनी अपनी एक स्पष्टता है। जिसने अपना पूरा जीवन एक विषय को समर्पित किया है, आयुर्विज्ञान पर, आयुर्वेद पर, जिसने हजारों हजार जड़ी बूटियों के साथ समय बिताया है, उसकी जो अथॉरिटी है अपने विषय पर, वो कोई व्यक्ति एक किताब बाजार से खरीद के उससे चार फॉर्मूलास पढ़ के आपको कुछ बता दे नुस्खे, वो संभव नहीं है। तभी ये कहावत है नीम हकीम खतरा है जान, कि कुछ छोटी मोटी जड़ी बूटियां इकट्ठी कर ली बता दी। और ये चलन अब जबकि सूचनाओं की बहुत जबरदस्त आंधी चलती है, तब ये चीज बड़ी खतरनाक है, क्योंकि न जाने कैसे बहुत समय लोगों के पास है अब सिर्फ सूचनाओं में खेलने का, प्रयोगों के समय मानो गायब हो गए हैं अब सिर्फ सूचनाओं को इकट्ठा करने का, और फटाफट त्वरित में कोई उपाय मिल जाए, कोई समाधान मिल जाए, उसकी तरफ भागने का। तो उस भागा दौड़ में, उस आपाधापी में, उस विषय को ठीक ठीक जानने वाले व्यक्ति को खोजना बड़ा मुश्किल है। अब किसी के व्यू कम है तो लगेगा ये एक्सपर्ट नहीं है, किसी के व्यू लाखों हैं जिसे बहुत लोग देखते हैं, बड़ा प्रचलित है, तो लगेगा ये शायद ठीक बात बोलता होगा, ये मोटिवेशन पे अच्छी बात बोलता है, तो ये अध्यात्म पर भी कुछ ना कुछ तो ठीक बोल ही देगा। ऐसा नहीं है, एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही तकनीक काम करती है पॉपुलैरिटी को डेवलप करने के लिए, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग स्किल्स है।
और आध्यात्म की समझ ठीक ठीक होना या किसी भी विषय की ठीक ठीक सम्यक समझ होना वो बिल्कुल भिन्न बात है। तो इसके ऊपर भी एक बात समझनी जरूरी है कि आप किस तरीके से सूचनाओं में से ठीक बात को अपने लिए खोजें। उसके लिए एक बात जो बहुत जरूरी है, फिर हम विषय जो कुंडलिनी है उस पर बात करेंगे कि आप उन सूचनाओं को जहां से प्राप्त कर रहे हैं क्या वो व्यक्ति उस विषय पर बहुत लंबे समय से कार्यरत है, क्या वो व्यक्ति प्रैक्टिस करता है उन बातों को, क्या वो व्यक्ति उन बातों में जी रहा है, क्या वो व्यक्ति मौजूद है आपसे उन सब बातों पर चर्चा के लिए, उन बातों की और प्रगाढ़ समझ के लिए। अगर ऐसा है, अगर उसकी मौजूदगी है और अगर वो उस विषय पर बहुत लंबे काल से कार्यरत है तो ही आप कदम बढ़ाएं। जिसकी आपने शक्ल तक नहीं देखी, सिर्फ चार स्लाइड्स आप देख लेते हैं, पीछे से आवाज आ रही है, आपको ये भी नहीं पता कौन कहाँ है क्या है, और आप दीवाने हो के उसकी बातें सुन के ना जाने क्या के क्या प्रयोग किसी भी विषय में करने लग जाते हैं, ये निपट मूढ़ता है, निपट ना समझी है। अब एक बात कि क्या कुंडलिनी शक्ति खतरनाक है, तो इस बात को ठीक ठीक रूप से समझ लें। जब शक्ति अंत में उठती है तो बहुत जबरदस्त रूपांतरण होते हैं, क्योंकि दो शक्तियां ईड़ा और पिंगला जब मध्यस्थ होके उठेंगी तो बड़े जबरदस्त रूपांतरण लेके आएंगी, बड़ी जबरदस्त शक्ति के कंपन उठेंगे। लेकिन अगर शुरुआत ठीक है, अगर समझ ठीक है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मानो आपने इन शक्तियों को किस तरीके से प्रबंधित रूप में जगाया है या उनको किस तरीके से चैनलाइज किया है, वो शुरुआती आपके कदम ठीक हैं और आपकी उन शक्तियों के संबंध में समझ ठीक ठीक विकसित है, तो आपके लिए वो शक्ति का चैनलाइज्ड रूप कोई दिक्कत नहीं देगा। इसी के साथ ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, विशेषकर ध्यान में, विशेषकर शक्ति के प्रयोगों से संबंधित, कि आप किसी के सानिध्य में ही ये प्रयोग करें। इस बाबत एक बहुत कीमती संत हुए हैं गोरखनाथ महाराज। वो एकमात्र ऐसे संत हुए, ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने अनेक अनेक शक्ति के और तंत्र के प्रयोग विकसित किए और अपने शिष्यों को उन प्रयोगों में निपुण किया। लेकिन उनकी एक ही बात रहती थी कि मेरे सानिध्य, मेरे इर्द गिर्द रहते, मेरे बताए तरीकों से ही बढ़ें। उनकी ये कोई प्रयोजना नहीं थी कि आप मेरे पिछलग्गु हो जाएं या आप मेरे अनुकूल ही पूरा जीवन बिता दें। लेकिन जहां पद्धतियों पर केंद्रित बात है, जहां पर एक सर्टेन मेथड है और जिसके ऊपर उस व्यक्ति ने, उस ऋषि ने, उस ध्यानी ने वक्त बिताया है, उसको हम स्वीकार करें। अगर ईड़ा नाड़ी शीतल शक्ति केंद्रित है तो उसके ऊपर समय बिता के ये बात जानी गई है। पिंगला नाड़ी सूर्य शक्ति है जिसमें ऊष्मा है, तो ये बात समय बिताकर जानी गई है। इन शक्तियों के कैसे चालन होने चाहिए, उसके अनेक अनेक प्रयोग करके क्या रूपांतरण घटित हुए हैं, उस चीज को खोजा गया है। तो एक एक प्रयोग जो ऋषि बताए उसे समझें, उसे जानें और उस प्रयोग को करें। अमूमन हमारे इर्द गिर्द जो लोग दिखते हैं साधना में लगे हुए, उन लोगों की दो बहुत बड़ी नासमझियां हैं। एक कि वो केवल सुनते हैं, किसी भी अच्छे वक्ता को लिया और उसे सुनने लग गए, उस पर कोई भी प्रयोग स्वयं नहीं करते, एक बात। और उस सुनने से, उस जो ज्ञान के इकट्ठे होने से, वो कुछ कुछ
नए नए कंक्लूजन्स डेवलप कर लेते हैं, वो बहुत खतरनाक है। प्रयोग उन्होंने एक भी तकनीक पर नहीं किया और कंक्लूजन उनके ना जाने क्या क्या हैं, तो एक ये बात बड़ी खतरनाक। और दूसरी बात, जिनसे उन्होंने सीखा, जिनसे उन्होंने सुना, अगर वो अभी सृष्टि में मौजूद नहीं है। अब आप कहें मैं तो रामकृष्ण परमहंस को बहुत मानता हूं, उनकी मैंने किताब पढ़ी, बड़ी अच्छी है। मैं स्वामी विवेकानंद को बहुत मानता हूं, उनकी किताब में मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं है। अपनी ही उनकी ही बातों को डिकोड करने के लिए उन सरीखा कोई व्यक्ति आपके पास है, उनका ही कोई अनुयायी है, या फिर कोई आज कोई प्रत्यक्ष रूप में मौजूद कोई तकनीक बता रहा है, तो वो कीमती है, वो महत्वपूर्ण है। इसीलिए जीवंत गुरु है वो ही धधकती आग है, उसकी मौजूदगी रूपांतरण लाएगी, निश्चित रूप से लाएगी। किताबों से आध्यात्म नहीं पनपता, किताबों से तकनीकें पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन प्रयोगात्मक रूप देना बिल्कुल भिन्न बात है। इसलिए मनीषियों ने तो शुरू से ही साधकों को, साधुओं को अपने इर्द गिर्द बहुत समय बिताने का प्रयास कराया, और फिर कहीं जाके धीरे धीरे कुछ छोटे छोटे सूत्र देते, जिससे कि वैदिक काल निर्मित हुआ, जिससे कि वेद या उपनिषद निर्मित हुए, ऋषियों के कुछ मुट्ठी भर वाक्य, और वही जागृति का कारण बन जाते थे, वही रूपांतरण का कारण बन जाते थे। तो उतना यदि आप में सामर्थ्य नहीं है सुनने का, जानने का, तपने का, अपने अंत की यात्रा पर चलने का, और आपको बड़ी जबरदस्त भागा दौड़ है कि कुछ सूचना इकट्ठी करके कुछ कंक्लूजन बना लिया जाए और फिर मैं भी कुछ कुछ बोलने लग जाऊं किसी विषय पर, अगर ऐसा है तो कृपया आप आध्यात्मिक विषय को अपनी सूची से निकाल दें। मोटिवेशनल एक्सपर्ट होना आसान है, किसी की कुछ बातें इकट्ठी करके कुछ उसको सुना दें, वो बड़ा आसान है। किसी सूचना को इकट्ठा करके उसको डिटेलिंग करना बड़ा आसान है, लेकिन प्रयोगात्मक कोई भी विधा है वहां पर ये सूचना जनित तरीका काम नहीं आएगा। इसलिए कुंडलिनी शक्ति निश्चित रूप से एक पुंज है शक्ति का, उस शक्ति को जैसे ही डिकोड किया जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में रूपांतरित होगी, तो उसमें जैसे जैसे एक एक जंक्शन को क्रॉस करेगी तो बहुत से रूपांतरण देखने को मिलेंगे। इसीलिए कदम कदम पर सहायता चाहिए होगी, कदम कदम पर राय चाहिए होगी, या कदम कदम पर मार्गदर्शन चाहिए होगा। भक्ति में तो भाव चाहिए, ज्ञान मार्ग के लिए भी बिल्कुल सशक्त अभिव्यक्ति स्वरूपा कोई मार्गदर्शक चाहिए, लेकिन कुंडलिनी मार्ग या क्रिया मार्ग या ये शक्ति का जीवंत स्वरूप या जीवंत रूपांतरण का तरीका, इसमें तो मार्गदर्शन की बड़ी महत्ता है। और यदि कोई इन तकनीकों को केवल ऑनलाइन बता के छोड़ दे, वो बहुत खतरनाक है। इसीलिए इन प्रयोगों को कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर सबके लिए मुहैया नहीं किया जा सकता। जिसे जानना है, जिसे सीखना है, वो अपनी पिपासा, अपनी चाहत को लेके पहुंचे और एक समय बिताए उन तकनीकों को सीख के उन पर प्रयोग करने के लिए, तभी इस कुंडलिनी या इस शक्ति के विषय पर व्यापक समझ निर्मित होगी। केवल घबराने की या केवल इसको एक हवा बनाने की बात नहीं है। और हम कुछ प्रश्नोत्तरियां हैं इन मूलभूत प्रश्नों से संबंधित, इनको भी जानने का प्रयास करेंगे, फिर हम आगे दूसरे चक्रों की तरफ बढ़ेंगे।